पारा स्वरूप पारा मंत्र देवेशम नकाराय नमो नमः। चमकेगा भाग्य बरसेगा धन महादेव महात्मानम महाध्यानम परायणम। होगी मन चाहे जीवन साथी की प्राप्ति एवं मकाराय नमो नमः। सदा सुखी रहेगी संतान आपकी शिवम शांतम जगन्नाथम। शिव के 12 मंत्रों का चमत्कार शिवमेक पदम नित्यम शिकाराय नमो नमः। खुशियों से भर जाएगा आपका घर बार। भगवान शिव जो करते हैं आपकी हर मनोकामना पूरी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी हर मनोकामना के हिसाब से आपको करना होता है भगवान शिव को प्रसन्न। जी आज यही सब हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं नवजोत और मेरे साथ हैं कौलांतिक पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी सत्यनाथ जी। बहुत बहुत स्वागत है सत्यनाथ जी आपका। भगवान की शिव की महिमा वैसे ही अपरंपार है, और मनोकामनाओं की बात करें तो कहते कि भगवान शिव कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटा। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो तमाम मंत्रों की बात आज हम करेंगे अलग अलग मनोकामना के हिसाब से। सबसे पहले ये बताएं कि अगर भाग्योदय करना है हमें तो उसके लिए किस तरीके से भगवान शिव की किस तरीके से भगवान शिव का मंत्र का उच्चारण करें और क्या है उसका विधान। भगवान शिव को भाग्य निर्माण करने वाला एक अत्यधिक तेजस्वी देवता माना जाता है, क्योंकि वो अत्यंत लघु पूजा से अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो उनका सरल सा विधान है कि भगवान शिव के वृषारूढ़ जिसमें एक श्वेत नंदी है उस पर वो विराजमान है और भव्य विग्रह उनका है। ऐसे चित्र अथवा विग्रह का आपको पूजन करना चाहिए। पूजा स्थल पर एक स्फटिक का प्यारा सा शिवलिंग, छोटा सा शिवलिंग आपको स्थापित करना चाहिए और एक थाली में फल फूल और मिष्ठान्न रखकर भगवान शिव को निवेदित करना चाहिए। और भगवान शिव का पंचोपचार पूजन आप करें, धूप दीपक क्षति इत्यादि समर्पित करते हुए फिर आप मंत्र का जाप करें। आपका मंत्र है ओम नमो भगवते व्योम रुद्राय स्वाहा। ओम नमो भगवते व्योम रुद्राय स्वाहा। इस प्रकार से लाल कंबल के आसन पर आपको मंत्र का जाप करने के लिए बैठना है, और मंत्र जाप के समय माला को आपको ढक कर रखना होगा और हृदय के निकट रखना होगा ताकि वो आपके हृदय से स्पर्शित होती रहे, और अपना मुख आपको उत्तर दिशा की ओर रखना है। और फिर मंत्र का जाप 7 माला कहा गया है वो आप संपन्न करें, और मंत्र जाप के पश्चात भगवान शिव को खीर का प्रसाद बनाकर अर्पित कीजिए और शिव की आरती स्तुति वंदना कीजिए, और देखिए कैसे अतिशीघ्र आपके भाग्य का निर्माण भोलेनाथ महादेव करेंगे। चलिए अगले मंत्र की ओर बढ़ते हैं जिससे आपको मिलेगा यश मान और सम्मान। कौन सा है मंत्र? यश मान और सम्मान की यदि आपके हृदय में चाह है तो भगवान शिव के पार्वती नाथ वाले चित्र जिसमें माँ पार्वती उनकी पूजा कर रही हैं, एक शिवलिंग है जिसकी माँ पार्वती पूजा कर रही हैं और भगवान शिव उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसे स्वरूप का विग्रह आपको स्थापित करना चाहिए पूजन स्थल पर। और पूजन स्थल पर ही एक पारे का बना हुआ जिसे पार्द शिवलिंग कहा जाता है उसे स्थापित करना चाहिए। ये बेहद अमोघ शिवलिंग भी कहलाता है। तो एक थाली में ही फल फूल और मिष्ठान अर्पित करने के बाद भगवान शिव का पंचोपचार पूजन कीजिए, उन पर गंगा जल इत्यादि छिड़कना चाहिए, फिर अपने मूल मंत्र का जाप करना चाहिए। आपका मंत्र है ओम नमो भगवते तीव्र रुद्राय स्वाहा। ओम नमो भगवते तीव्र रुद्राय स्वाहा। तो पीले कंबल का आसन बनाकर उस पर आप बैठें, फिर मंत्र का जाप करें, और मंत्र जाप के समय माला को ढक कर रखना बेहद अनिवार्य है, क्योंकि जितने भी मंत्र हैं इन्हें ढककर ही किया जाता है, और माला आपके हृदय के पास रहनी चाहिए और आप इस उंगली को वर्जित रखेंगे और इससे आपको माला को स्पर्शित नहीं करना है। मुख पूर्व दिशा की ओर रखें। 16 माला का मंत्र जाप आपको करना है और शिव भगवान को गुड़ और चने का प्रसाद अर्पित करके उनकी आरती स्तुति वंदना करें। प्रेम प्राप्ति और शीघ्र विवाह के लिए कौन से मंत्र का उच्चारण करना है? यदि आपके हृदय में प्रेम प्राप्ति की चाह है और शीघ्र विवाह की चाह है तो भगवान शिव का, शिव और पार्वती माता का जो संयुक्त चित्र है, ऐसे विग्रह का संयुक्त रूप से पूजन करना चाहिए। पूजन स्थल पर एक चांदी का शिवलिंग, छोटा सा शिवलिंग बनाकर स्थापित करना चाहिए। एक थाली में फल फूल मिष्ठान इत्यादि रखकर पंचोपचार भगवान शिव का पूजन करें, और स्नान इत्यादि आप शिवलिंग का संपन्न कर सकते हैं, आग धतूरा अर्पित कर सकते हैं, फिर आप मूल मंत्र का जाप करें ओम नमो भगवते नील रुद्राय स्वाहा। ओम नमो भगवते नील रुद्राय स्वाहा। इस प्रकार नीले कंबल के आसन पर बैठकर इस मंत्र का आपको जाप करना है। मंत्र जाप के समय माला को ढककर और हृदय के निकट रखना है, और मुख पश्चिम दिशा की ओर आपको रखना है। 20 माला का मंत्र जाप आप करें, और मंत्र जाप के पश्चात भगवान शिव को बर्फी इत्यादि मिष्ठान का प्रसाद और भोग लगाना चाहिए और स्तुति वंदन करना चाहिए।
भगवान शिव से आप धन प्राप्त भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कौन सा मंत्र है जिसका उच्चारण करना है? जी जी, भगवान शिव से यदि आप प्रार्थना करते हैं भौतिक धन धान्य संपदा संपत्ति सुख की, तो भगवान शिव के गणपति नाथ वाले चित्र का, जिसमें भगवान गणेश उनकी पूजा कर रहे हैं भगवान शिव की और भगवान शिव उन्हें वरदान दे रहे हैं, ऐसा चित्र और विग्रह स्थापित घर में करना चाहिए और पूजा स्थल पर एक अष्ट धातु से निर्मित शिवलिंग को स्थापित करके शिवलिंग का पूजा पाठ आपको करना चाहिए और एक थाली में फल फूल मिष्ठान इत्यादि स्थापित कर दिया जलाकर धूप जलाकर भगवान का पंचोपचार पूजन करें, फिर मंत्र जाप करें, ओम नमो भगवते मणिरुद्राय स्वाहा, ओम नमो भगवते मणिरुद्राय स्वाहा। तो पीले कंबल के आसन पर बैठिए, मंत्र का जाप कीजिए और मंत्र जाप के समय माला को हृदय के निकट और ढक करके रखें और अपना मुख उत्तर दिशा की ओर आपको रखना है। 21 माला का मंत्र जाप आपको करना है। मंत्र जाप के पश्चात भगवान को हलवे का प्रसाद चढ़ाते हुए उनकी स्तुति इत्यादि करें, पुष्प धूप दीप अर्पित करें, अवश्य आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। बिल्कुल, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं भगवान शिव। शत्रुओं का भी नाश करते हैं, कैसे जानते हैं? जी, यदि शत्रु की प्रताड़ना आपके जीवन में आती है, लोग अकारण आपके शत्रु बन जाते हैं और आप चाहते हैं कि शत्रु कोई मेरा रहे ही ना, कोई बने ही ना मेरा शत्रु, और आप शत्रु कष्ट से बचना चाहें, तो भगवान शिव के महाकाल स्वरूप का चित्र और विग्रह अथवा उस शिवलिंग का चित्र बनाकर अपने घर में स्थापित आपको करना चाहिए पूजा स्थल पर। तो एक मिट्टी का शिवलिंग भी आप पूजन स्थान पर संकेत के तौर पर महाकाल के स्वरूप में स्थापित कर सकते हैं और एक थाली में पुष्प धूप दीप नैवेद्य अर्पित कर पंचोपचार पूजन करें, फिर मूल मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते अग्निरुद्राय स्वाहा, ओम नमो भगवते अग्निरुद्राय स्वाहा। इस मंत्र का भूरे रंग के कंबल के आसन पर बैठकर आपको जाप करना है। तो मंत्र जाप के समय माला को ढककर और इस अंगुली का प्रयोग वर्जित है जो मैं बार बार आपको बता रहा हूं। हृदय के निकट आपको माला रखनी है, मुख दक्षिण दिशा की ओर आपको रखना है। 16 माला का आप मंत्र जाप कीजिए और पश्चात भगवान शिव को पंचमेवे का प्रसाद देते हुए स्तुति वंदन आरती करें और लाभ ही लाभ उठाएं। अकाल मृत्यु से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो भी भगवान शिव आपकी मदद कर सकते हैं, बस आपको करना होगा एक मंत्र का उच्चारण और करना होगा उनको प्रसन्न। जी, अकाल मृत्यु नाश के लिए सबसे अधिक प्रचलित साधना यदि किसी इष्ट की है तो वो केवल मृत्युंजय महादेव ही है। तो भगवान शिव के कैलाशनाथ स्वरूप, जिसमें कैलाश पर भी शिखर पर बैठे हुए हैं, ऐसे मंगलमय चित्र का ध्यान और विग्रह का स्थापन करने से, पूजन स्थल पर स्थापित करने से कल्याण ही कल्याण होता है। एक नर्मदेश्वर शिवलिंग भी आप पूजन स्थल पर स्थापित करें और एक थाली में समस्त फूल और मिष्ठान प्रसाद इत्यादि बनाकर अर्पित करते हुए पंचोपचार पूजन संपन्न करें, फिर मूल मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते राग रुद्राय स्वाहा, ओम नमो भगवते राग रुद्राय स्वाहा। हरे रंग के कंबल के आसन पर बैठकर आपको प्रस्तुत मंत्र का जाप करना है और मंत्र जाप के समय माला को ढककर हृदय के निकट और मुख आपका उत्तराभिमुख होना चाहिए और 17 माला का मंत्र जाप आपको करना है। मंत्र जाप के पश्चात भगवान शिव के स्वरूप का ध्यान करते हुए आरती उतारते हुए फलों का प्रसाद अर्पित करें और स्तुति वंदन अवश्य करें। ऋण बहुत ज्यादा है और ऋण चुकाना मुश्किल हो रहा है तो कीजिए भगवान शिव की आराधना। ऋण नाश के लिए क्या करना होगा? यदि आपके जीवन में ऋण का संकट है तो उसके लिए भगवान शिव के नंदी आरूढ़ चित्र अथवा विग्रह का पूजन करें, जिसपे वो नंदी के ऊपर बैठकर प्रस्थान कर रहे हैं। तो साथ ही पूजन स्थल पर एक छोटे से संगमरमर का, श्वेत संगमरमर का शिवलिंग स्थापित करना चाहिए जो बेहद फलदायी होता है। थाली में फल फूल पंचोपचार की सामग्री अर्पित करते हुए विधिवत भगवान शिव का पूजन कीजिए, उनको जल अर्पित कीजिए, फिर क्रमशः मूल मंत्र का जाप कीजिए, ओम नमो भगवते गंगा रुद्राय स्वाहा, ओम नमो भगवते गंगा रुद्राय स्वाहा, अर्थात ऐसे भगवान शिव जिन्होंने गंगा को शीर्ष पर धारण किया है। तो लाल रंग के कंबल के आसन पर बैठकर आपको अपने इस मंत्र का जाप करना है और मंत्र जाप के समय माला को निकट हृदय के रखें और ढककर रखें, पूर्वाभिमुख स्वयं आपको रहना है, 19 माला का मंत्र जाप करना है और पश्चात भगवान शिव को मेवों का प्रसाद अर्पित करते हुए अपनी मनोकामना प्रकट कीजिए, अवश्य कल्याण ही कल्याण होगा। वैसे तो कहा जाता है कि मनोकामना आपको कभी किसी को बतानी नहीं चाहिए जी, और ये जो आप बता रहे हैं माला को ढक कर करना है, क्या ये भी इसी से जुड़ा हुआ है? हाँ, दरअसल भगवान शिव के ये कुछ गोपनीय मंत्र हैं जिसे संपुटित मंत्र कहा जाता है। यदि आप छुपा कर रखेंगे तो चुपचाप कब आपकी मनोकामना पूर्ण कर देंगे महादेव, ये सिर्फ आप और महादेव के मध्य ही रहेगा। किस तरीके से भगवान शिव को करें प्रसन्न ताकि आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो, ये हम जान रहे हैं सत्यनाथ जी से। संतान प्राप्ति के लिए और संतान की रक्षा के लिए, संतान के सुख के लिए कैसे करें शिव को प्रसन्न? संतान प्राप्ति के लिए और संतान की सदैव रक्षा हो, इसके लिए शिव परिवार का विग्रह अर्थात जिसमें पूर्ण शिव परिवार है, ऐसे चित्र और विग्रह को घर में लाकर आपको स्थापित करना चाहिए।
पूजा स्थल पर एक काले रंग का शिवलिंग आपको स्थापित करना चाहिए। ये किसी पत्थर का भी हो सकता है या किसी धातु का भी हो सकता है, लेकिन उसमें सिर्फ रंग का विवरण दिया गया है, तो आप रंग चुनकर ही इसका प्रयोग करें। और फिर एक थाली में फल फूल मिष्ठान इत्यादि रख के पंचोपचार पूजन संपन्न करें और मूल मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम नमो भगवते नाद रुद्राय स्वाहा, ओम नमो भगवते नाद रुद्राय स्वाहा। तो पीले रंग के कंबल के आसन पर आप स्वयं बैठें और फिर मंत्र का जाप करें। मंत्र जाप के समय माला को ढका हुआ रखना है और हृदय के निकट रखना है और आप स्वयं अपना मुख उत्तर दिशा की ओर ही रखेंगे और 11 माला का मंत्र जाप करेंगे। और मंत्र जाप जब समाप्त हो जाए तो भगवान शिव को खीर का प्रसाद अर्पित करते हुए मनोकामना मांगिए, अवश्य पूर्ण होती ही होती। तंत्र बाधा और अगर ग्रह बाधा हो तो इसके लिए किस तरीके से इसका नाश करना चाहिए, उसके लिए कौन से मंत्र का उच्चारण करें? यदि आपके जीवन में तंत्र बाधा है और तरह तरह के ग्रह आपको बार बार परेशान करते हैं, तो समस्त ग्रहों का ये एक उपाय है और समस्त तंत्रों से बचने का एक उपाय है कि भगवान शिव के भूतनाथ स्वरूप का जो चित्र है उसे घर में स्थापित करना चाहिए, या भगवान शिव के ऐसे स्वरूप का जिसमें वो बाराती उनके पीछे हैं और वो बारात में दूल्हा बनकर चल रहे हैं, तो उनके विग्रह का स्थापन कीजिए और पूजा स्थल पर पत्थर का एक शिवलिंग स्थापित कीजिए। एक थाली में फल फूल इत्यादि अर्पित करते हुए पंचोपचार पूजन संपन्न करें और फिर मूल मंत्र का जाप करें। आपका मौलिक मंत्र है ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते अघोर रुद्राय स्वाहा, अर्थात भगवान का ऐसा स्वरूप जो अघोर है, जिसके समूह कोई तंत्र मंत्र कोई ग्रह बाधा नहीं चलती। ओम नमो भगवते अघोर रुद्राय स्वाहा। तो काले रंग के कंबल के आसन पर बैठकर इस मंत्र का आप जाप करें और जाप के समय माला को ढककर हृदय के निकट रखें और आपका स्वयं का मुख दक्षिण दिशा की ओर रखें जब आप इस मंत्र का जाप करें। 21 माला का मंत्र जाप करने के पश्चात भगवान शिव को आक और धतूरा श्रद्धा पूर्वक चढ़ाएं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। विद्या और बुद्धि अगर आपको चाहिए तब भी एक मंत्र है शिव का, जिसका उच्चारण करके आप विद्या और बुद्धि पा सकते हैं, कौन सा है वो मंत्र? भगवान शिव समस्त कलाओं के नायक हैं, नट नटेश्वर हैं, तो भगवान शिव के योगेश्वर स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, अर्थात वो हिम शिखर पर बैठकर नेत्र मूंद कर ध्यानस्थ स्थिति में बैठे हुए हैं। ऐसे विग्रह का स्थापन और पूजन करें और फिर पूजन स्थल पर मिट्टी का एक शिवलिंग जिसे पार्थिव शिवलिंग कहा जाता है बनाकर स्थापित करें और थाली में पंचोपचार की सामग्रियां धूप दीप जल अक्षत नैवेद्य इत्यादि रखकर भगवान शिव का पंचोपचार पूजन करें। फिर मूल मंत्र का जाप। मंत्र है ओम नमो भगवते व्याघ्र रुद्राय स्वाहा, ओम नमो भगवते व्याघ्र रुद्राय स्वाहा, अर्थात जिसमें वो व्याघ्र मुखी हैं। तो नीले रंग के कंबल के आसन पर बैठकर मंत्र का आपको जाप करना चाहिए और माला को पुनः ढककर और हृदय के निकट रखना है। आप स्वयं उत्तराभिमुख रहेंगे और 11 माला का मंत्र आप जाप करेंगे और भगवान शिव को बिल्व फल और बिल्व पर पत्र अर्पित कीजिए, आरती और स्तुति वंदन कीजिए। शिव के 12 मंत्र आपकी 12 मनोकामनाएं कैसे होंगी पूरी, ये सब हम जान रहे हैं। आध्यात्म तेज और इष्ट प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? भगवान शिव के चित्र अथवा विग्रह का आपको स्थापन करना है और पूजन स्थल पर एक मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग आपको स्थापित करना है और एक थाली में पंचोपचार की सामग्री फल फूल मिष्ठान इत्यादि अर्पित करके भगवान शिव की आपको पूजा करनी है और फिर अपने मूल मंत्र का जाप करना है ओम नमो भगवते त्र्यंबक रुद्राय स्वाहा, ओम नमो भगवते त्र्यंबक रुद्राय स्वाहा। इस प्रकार से आप मूल मंत्र का जाप कर सकते हैं और नीले रंग के कंबल के आसन पर बैठ के आपको इस मूल मंत्र का जाप करना है और मंत्र जाप के समय माला को ढक कर रखना अति आवश्यक है और हृदय के निकट ही उसे रखना है। आप स्वयं अपना मुख मंत्र जाप के समय उत्तराभिमुख रखें और 11 माला का आपको मंत्र का जाप करना है और जब मंत्र जाप पूर्ण हो जाए तो भगवान शिव को बिल्व पत्र फल इत्यादि अर्पित करते हुए आरती और स्तुति करें। चलिए आखिर में सौंदर्य और स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए कैसे करें शिव की आराधना, कौन सा मंत्र है जिसका उच्चारण करना? यदि हमारा सौंदर्य परमात्मा के हाथ में है, वो हमें प्रदान करते हैं, ये सदैव वैसा ही रहे और स्वस्थ हम सदैव रहे मृत्यु पर्यंत, तो उसके लिए भगवान शिव के नटेश्वर स्वरूप के चित्र का और विग्रह का स्थापन करने का विधान है। तो भगवान शिव के नटेश्वर स्वरूप का पंचोपचार पूजन कीजिए और पूजन स्थल पर एक पत्थर का शिवलिंग अवश्य आपको स्थापित करना चाहिए। थाली में पंचोपचार की सामग्री रखते हुए पूजन करें और फिर मूल मंत्र का जाप करें। आपका मंत्र है ओम नमो भगवते हिरण्य रुद्राय स्वाहा, ओम नमो भगवते हिरण्य रुद्राय स्वाहा। और पीले रंग के कंबल के आसन पर बैठकर ही इस मंत्र का जाप संपन्न किया जाता है और माला को ढककर रखें हृदय के निकट, मुख स्वयं साधक का पश्चिम दिशा की ओर रहना चाहिए। 16 माला का मंत्र जाप करते हुए और भगवान शिव को आप बिल्व पत्र फल और प्रसाद इत्यादि अर्पित करें और स्तुति करें, अवश्य आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यन जी आपके धन्यवाद इस चर्चा के लिए। बहरहाल इस खास पेशकश में इतना ही, देखते रहिए आज तक।